Hello students, how are you? I hope you all are fine. Students, we are nearly completing our chapter number 4, that is Animal Kingdom. Only two classes are left, class Aves and class Mammalia. First is class Aves. Class Aves. And Aves, birds. Aves are birds. ठीक है जी. दे शो एरियल मोड ऑफ लाइफ. बॉडी इज डिवाइडेड इंटू हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल. ठीक है जी. सेकेंड, बॉडी इज कवर्ड बाय फैदर्स. बॉडी इज कवर्ड बाय फैदर्स. फैदर्स आर प्रेजेंट ऑल अराउंड द बॉडी. They can fly. They can fly except. Exception is ostrich. Ostrich is a bird, but flightless bird. Next है जी, jaws are modified into beaks. Jaws are modified into beaks. Teeth absent. Teeth is absent. Next है जी, skin is dry. Dry skin. But without the presence of glands, except a few. Only a oil gland is present at the base of the tail. Oil gland is present at the base of the tail. Base of tail. Next is, four limbs are modified into wings and covered by feathers. Hind limbs have scales and modified for walking, perching, swimming and running. मतलब जो आगे के दो limbs हैं, they are modified into wings. Four limbs are modified into wings and hind limbs are modified into legs भी बोल सकते हो आप. That legs are help for walking, running, swimming. And perching. ठीक है जी. Next is endoskeleton. Endoskeleton is present. Endoskeleton made up of bone is present. But bones are pneumatic. Pneumatic means hollow bones. ठीक है. That reduce the body weight and help in the flying of the bird. हल्की हो जाती है बॉडी और वो इजीली हल्के उड़ सकते हैं. ठीक है जी. नेक्स्ट है, डाइजेस्टिव ट्रैक हैज टू एडिशनल चैम्बर. वन इज क्रॉप, सेकेंड इज गिजर्ड. वट इज क्रॉप? क्रॉप थैली होती है जहाँ पे सारे सीड्स स्टोर होते हैं जो वो खाते हैं. ठीक है जी. गिजर्ड क्या है? गिजर्ड मिक्सी की तरह ग्राइंड करने वाला एक ऑर्गन है उन सीड्स को. हार्ट इज फोर चैम्बर्ड. हार्ट इज फोर चैम्बर्ड. फोर चैम्बर्ड. फोर चैम्बर्ड हार्ट स्टार्ट हो गया है जी. ठीक है जी. नेक्स्ट है, एनिमल्स आर वार्म ब्लडेड. एनिमल्स आर वार्म ब्लडेड. देयर बॉडी टेम्परेचर डू नॉट वेरी विद द environmental temperature. warm-blooded animals, warm-blooded. ठीक है जी. और we can say homeotherms. और we can say homeotherms. Next है respiration by lungs. Respiration by lungs. Respiration by lungs. Then animals are unisexual and exhibit sexual dimorphism. Unisexual. Male and female are different. Fertilization internal. Fertilization is internal. Fertilization हो गई जी internal. ये लोग मतलब ये जो हैं birds हैं, they are oviparous. Oviparous. Egg-laying animals. ठीक है जी.
नाउ एग्जाम्पल्स, पेवो, पेवो मीन्स पीकॉक, ठीक है जी, और कॉर्वस, देन डव, कोई भी बर्ड का नाम लिख लो, ऑल आर कम इन द एवीज. नेक्स्ट क्लास इज क्लास मेमेलिया. नेक्स्ट क्लास इज क्लास मेमेलिया यानी कि मैमल्स. ममेलिया मैमल्स, दे ऑल हैव मेमोरी ग्लैंड्स, हेंस दे आर कॉल्ड मैमल्स. द करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ दिस क्लास इज द प्रेजेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स विच आर वेस्टिजियल इन मेल बट फंक्शनल इन फीमेल्स. द मिल्क इज प्रोड्यूस्ड बाय द फीमेल टू नरिश द यंग वंस. ठीक है, करेक्टरिस्टिक क्या है इसका, मेमोरी ग्लैंड्स. मेमोरी ग्लैंड्स जो कि फीमेल में प्रेजेंट होती हैं. ठीक है, नेक्स्ट है प्रेजेंस ऑफ हेयर ऑन द बॉडी. प्रेजेंस ऑफ हेयर ऑन द बॉडी, हेयर ऑन बॉडी. नेक्स्ट है एक्सटर्नल ईयर इज प्रेजेंट. एक्सटर्नल ईयर इज प्रेजेंट, दैट इज नोन एज द पिन्ना. एंड हार्ट इज फोर चैम्बर्ड, हार्ट इज फोर चैम्बर्ड. रेस्पिरेशन इज बाय लंग्स, रेस्पायर बाय लंग्स. ठीक है जी, एंड फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल. फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल. फर्टिलाइजेशन इंटरनल, यंग वन डिवेलप इनसाइड द यूट्रस ऑफ द फीमेल. फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल. एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास होमोसेपियंस, कैनेस, ये मैन है, ये डॉग की कैटेगरी है. फेलिस, ये कैट की है. कैमिलस, कैमल है, एक्सेट्रा. ठीक है, विद दिस आवर चैप्टर नंबर 4 इज कंप्लीटेड, दैट इज एनिमल किंगडम. यू हैव टू लर्न जस्ट द करेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ ईच एंड एवरी क्लास, फाइलम, ऑर्डर एंड किंगडम. ठीक है जी, विद वन और टू एग्जाम्पल्स. नेक्स्ट वी विल स्विच ओवर टू द चैप्टर नंबर 5, मॉर्फोलॉजी. हाँ जी स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्विच ओवर टू चैप्टर नंबर 5. चैप्टर नंबर 5 दैट इज मॉर्फोलॉजी, दैट इज मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स. मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स. व्हाट डू यू मीन बाय मॉर्फोलॉजी? द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल करेक्टर्स, स्टडी ऑफ एक्सटर्नल करेक्टर्स इज नोन एज मॉर्फोलॉजी. ठीक है जी, वी हैव ए लार्ज वराइटी ऑफ हायर प्लांट्स. ठीक है, इवन दो दीज प्लांट्स शो ए लार्ज डाइवर्सिटी इन एक्सटर्नल स्ट्रक्चर. वट इज द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर? मॉर्फोलॉजी. ठीक है जी, दीज करेक्टर्स आर करेक्टराइज बाई presence of roots. External morphology में what we will study, roots, stems, leaves and fruits. ठीक है जी, in this chapter we will study about this roots, stem, leaves and fruits of a flower. ठीक है जी, now first we will discuss about the typical plant. A typical plant consists of A typical plant consists of root and underground. A typical plant consists of an underground part that is known as the root and an above ground part. An above ground part that is known as the shoot.
ठीक है जी. इट मीन्स इन द लोअर क्लासेस यू हैव स्टडीड अबाउट द रूट सिस्टम एज वेल अबाउट द शूट सिस्टम. दो टूडे वी विल स्टडी अबाउट द रूट्स. हाँ जी. नेक्स्ट इज रूट. द रेडिकल ऑफ द एम्ब्रियो ऑफ ए सीड. रेडिकल ऑफ द एम्ब्रियो ऑफ ए सीड ऑफ द एम्ब्रियो ऑफ सीड गिव राइज टू रूट. जब सीड जर्मिनेट हो रहा होता है तो उस टाइम जो रेडिकल पार्ट होता है उससे हम प्लांट के क्या बनते हैं, रूट बनते हैं. एंड द रेडिकल ग्रोज डाउनवर्ड टूवर्ड्स द अर्थ. नाउ व्हाट आर द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रूट. जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रूट्स. तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स आई होप यू ऑल हैव स्टडीड इन योर लोअर क्लासेस. नंबर वन, प्रेजेंस ऑफ नो नोड्स. रूट्स में कोई नोड नहीं होती है, कोई इंटर नोड नहीं होती है. ठीक है जी. दे डोंट बियर एनी बड. डोंट बियर एनी बड. कोई भी बड नहीं होती है. ठीक है जी. नेक्स्ट है जी, दे आर पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक. पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक मीन्स दे ऑलवेज मूव्स टूवर्ड्स द अर्थ. पॉजिटिवली जियोट्रॉपिकली एंड नेगेटिवली फोटोट्रॉपिकली. एंड नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक मतलब दे नेवर मूव अप यानी अबव द ग्राउंड. कभी भी ग्राउंड से ऊपर नहीं आती हैं. देन फोर्थ कैरेक्टर इज दे आर नॉर्मली अंडरग्राउंड. नॉर्मली अंडरग्राउंड एंड नॉन ग्रीन. नॉर्मली अंडरग्राउंड एंड नॉन ग्रीन. ठीक है जी. नाउ व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द रूट्स. आई होप यू हैव स्टडीड इन योर लोअर क्लासेस. नंबर वन, इट हेल्प्स इन एंकरिंग द प्लांट टू द सॉइल. ठीक है जी. इट हेल्प्स इन एंकरिंग द प्लांट टू द सॉइल. ये प्लांट को रूट सॉइल में जकड़ के रखती हैं. रूट्स एंकर द प्लांट. रूट्स एंकर द प्लांट. सेकेंड, दे ऑब्जर्व वाटर एंड मिनरल. वाटर और मिनरल ऑब्जर्व करती हैं. दे ऑब्जर्व वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल. थर्ड है जी, दे स्टोर रिजर्व फूड मटीरियल. स्टोर रिजर्व फूड मटीरियल. कुछ प्लांट्स में जैसे टैप रूट्स हैं उनमें ये रिजर्व फूड मटीरियल को स्टोर करती हैं. स्टोर रिजर्व फूड. एंड द फोर्थ वन इज द रूट टिप्स सिंथेसाइज प्लांट ग्रोथ हॉर्मोन्स. जो टिप्स होती हैं रूट्स की वो प्लांट ग्रोथ हॉर्मोन्स सिक्रीट करती हैं. दैट रेगुलेट द ग्रोथ ऑफ द प्लांट. टिप्स रिलीज ग्रोथ रेगुलेटर्स. ग्रोथ रेगुलेटर्स. ठीक है जी. टिप्स रिलीज ग्रोथ रेगुलेटर्स. तो दीज आर द करेक्टरिस्टिक्स एज वेल एज द functions of the root. Now we will do about the classification of the roots. How we classify the roots. Students, we classify the roots into the many types. For example, tap root system and fibrous root system. This you have done in your class 6. Tap root means those roots that are having one main root and the small adventitious roots. And in fibrous root system, they have hair like roots present in the plant. Root system can be classified into the following types. Number one, the direct elongation of the radical in dicotyledonous plants. देखो जी, ये जो tap root system होता है, tap root system, first is tap root system. तो ये ऐसी root होती है, ये main root होती है और ये साथ वाली इसकी एडवेंटिशियस रूट्स होती हैं जिनको हम सेकेंडरी भी बोलते हैं, टर्शरी भी बोलते हैं. ठीक है जी. ये प्राइमरी रूट है. दिस इज प्राइमरी रूट. दिस इज सेकेंडरी रूट. दिस इज सेकेंडरी रूट. एंड ये जो बहुत स्मॉल हैं, दीज आर टर्शरी रूट्स. ठीक है जी. दिस इज द डायग्राम ऑफ टैप रूट. इट इज प्रेजेंट इन डाइकोटिलेडंस.
ठीक है जी, इट इज प्रेजेंट इन द डाइकोटिलेडन्स, बट इन मोनोकॉट्स. वट हैपन इन मोनोकॉट्स? मोनोकॉट्स हैव फाइबरस रूट सिस्टम. फाइबरस रूट सिस्टम, तो फाइबरस रूट कैसी होगी? हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स. ठीक है जी, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, दीज आर फाइबरस रूट्स, धागे की तरह, फाइबर लाइक रूट्स, हेयर लाइक रूट्स. ठीक है जी. नेक्स्ट, नाउ वी विल स्टडी द रीजन्स ऑफ द टैप रूट सिस्टम. ठीक है जी, नाउ वी विल स्टडी द रीजन्स ऑफ द टैप रूट सिस्टम. तो पहले हमसे पहले हम एक रूट ड्रॉ करेंगे. ठीक है जी, दिस इज द टैप रूट. तो द टेंडर एपेक्स ऑफ द रूट इज प्रोटेक्टेड बाय थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर. ये क्या है स्टूडेंट? दिस इज ए थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर नोन एज द रूट कैप. दिस इज नोन एज द रूट कैप. जस्ट अबव द रूट कैप, इससे थोड़ा सा ऊपर, एक्सटेंडिंग इट टू ए फ्यू मिलीमीटर अबव, फ्यू मिलीमीटर अबव, दिस रीजन इज नोन एज द रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी. यू ऑल नो मेरिस्टेमेटिक सेल्स, दीज आर द एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स प्रेजेंट इन द टिप ऑफ द रूट एंड स्टेम, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स. मेरिस्टेमेटिक सेल्स, ठीक है जी. देन द रीजन ऑफ इलांगेज, उसके बाद ऊपर की तरफ, द रीजन ऑफ इलांगेशन लाइज जस्ट नियर द मेरिस्टेमेटिक रीजन. दिस इज द रीजन ऑफ इलांगेशन, रीजन ऑफ इलांगेशन, रीजन ऑफ इलांगेशन. द रीजन ऑफ मेच्योरेशन लाइज जस्ट अबव. अब इसके ऊपर ये थ्री रीजन हमने कर लिए हैं, रूट कैप, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स जहां से डिवाइड होती है, डिवाइड होके ग्रोथ होती है, रीजन ऑफ इलांगेशन, एंड दिस इज द रीजन ऑफ मेच्योरेशन. मेच्योरेशन, यहाँ पे सारे मेच्योर सेल होते हैं, होते तो यहीं से हैं. देखो मेरिस्टेमेटिक रीजन आगे बढ़ती जाएगी, पीछे जो सेल्स जाते जाएंगे वो मेच्योर होते जाएंगे, डिफ्रेंशिएशन हो जाएगी उनमें, दे अटेन परमानेंट शेप साइज एज वेल एज द परमानेंट फंक्शन. ठीक है जी. नाउ मॉडिफिकेशंस ऑफ द रूट, मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट. व्हेन रूट चेंज देयर शेप एंड स्ट्रक्चर टू परफॉर्म फंक्शंस अदर देन एंकरेज एंड एब्जॉर्प्शन, दे आर कॉल्ड मॉडिफाइड. मॉडिफिकेशंस, मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट. तो मॉडिफिकेशन ऑफ रूट का क्या मतलब है स्टूडेंट्स? व्हेन रूट चेंज देयर शेप, अपनी शेप चेंज कर लेती है, एंड स्ट्रक्चर, और अपना स्ट्रक्चर चेंज कर लेती है कोई और फंक्शन करने के लिए एंकरेज और अब्सॉर्प्शन के अलावा, स्ट्रक्चर टू परफॉर्म फंक्शंस अदर देन एंकरेज, एंकरेज के अलावा, एंकरेज एंड एब्सॉर्प्शन, एंकरेज और एब्सॉर्प्शन के अलावा, अब जब वो मॉडिफाई होके कोई और वर्क करने लग जाए तो दैट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ रूट. इट मींस दैट इज मॉडिफाइड. ठीक है, तो मॉडिफिकेशंस में हमारे पास सबसे पहले कौन सी रूट है? फर्स्ट आर स्टोरेज रूट्स, फर्स्ट आर स्टोरेज रूट्स. स्टोरेज रूट्स मींस कुछ स्टोर करके रखने वाली रूट्स. तो स्टोरेज रूट कौन सी है हमारे पास? टैप रूट. टैप रूट में हम किसकी एग्जांपल देंगे? कैरेट, टर्निप, रेडिश. ठीक है जी, तो ये क्या करती हैं? ये एक्स्ट्रा फूड स्टोर करके रखते हैं जिसको हम यूज करते हैं. एंड एडवेंटेशियस रूट्स, एंड एडवेंटेशियस, एडवेंटेशियस. तो इसके अलावा दूसरी कौन सी है? एडवेंटेशियस रूट्स जो हैं एस्पेरेगस, एस्पेरेगस, स्वीट पोटैटो, स्वीट पोटैटो. ठीक है जी, तो ये एडवेंटिशियस रूट्स क्या हैं? ये हैं जिनके ऊपर एडवेंटिशियस बर्ड्स होती हैं दैट हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स. तो ये मतलब फूड स्टोर करके स्वोलन हो जाती हैं, इनमें भी स्टोरेज फूड मटेरियल होता है,
These are also come under the category of storage roots. Now second are the prop roots. Prop roots कौन सी होती हैं students? Prop roots are massive pillar-like outgrowths of the aerial branches which grow downward and become large and woody to support the expanding canopy of the tree. Prop roots जैसे आपने बनियन का tree देखा होगा उसकी वो बड़ी बड़ी शाखाएं जो लटकती हैं वो क्या है? Prop roots है. वो prop roots एक pillar की तरह होती हैं, पहले ऊपर से नीचे की तरफ grow करती हैं, नीचे जब फिर वो जमीन में आके अपनी पकड़ बना लेती हैं और बनियन ट्री जो इतना बड़ा बनियन ट्री होता है ना उसको पिलर की तरह सपोर्ट करती हैं. ठीक है जी, पिलर की तरह सपोर्ट करती हैं. इवन कि कोलकाता बोटैनिकल गार्डन में जो एक बनियन ट्री है उसकी 900 प्रॉप रूट्स हैं, उसकी मेन स्टेम तो खत्म हो चुकी है और वो प्लांट सिर्फ एडवेंटिशियस जो इसकी प्रॉप रूट्स है ना उसके ऊपर ही खड़ा है, क्योंकि ये प्रॉप रूट्स होती तो रूट्स ही हैं. ठीक है जी, एंड दे ऑल्सो फंक्शन लाइक द मेन रूट. मेन रूट की तरह ही वर्क करती हैं ये. प्रॉप रूट्स किसकी होती हैं? बनियन ट्री की होती हैं. पिलर लाइक रूट्स दैट हेल्प इन सपोर्टिंग द एक्सपेंडिंग कैनोपी ऑफ द ट्री. थर्ड आर द स्टिल्ट रूट्स. स्टिल्ट रूट्स, अब तक तो आपने स्टिल्ट हाउसेस पढ़े होंगे ना छोटी क्लासेस में, कि जहाँ ज़्यादा बारिश होती है वहाँ स्टिल्ट हाउसेस बनते हैं ना. स्टिल्ट रूट्स भी होती हैं सेम उसी तरह से. ठीक है जी, जैसे ये हमारी शुगर केन की ब्रांच होती है ना उसके जगह जगह स्टिल्ट रूट्स होती हैं जो एक्स्ट्रा सपोर्ट देती हैं खड़े होने के लिए. तो दीज आर द सपोर्टिंग रूट्स विच अराइज फ्रॉम द बेसल नोड्स. ग्राउंड के ऊपर जैसे ये ग्राउंड है. ठीक है जी, ग्राउंड के ऊपर ये बेसल एरिया है स्टेम का. तो ये बेसल नोड्स हैं, जो पता है आपको नोड्स और इंटर नोड्स होती हैं स्टेम के ऊपर, नोड्स से ट्रीज ग्रो करते हैं. लेकिन यहाँ पे नोड्स से स्टिल्ट रूट्स ग्रो करती हैं जो ग्रो होके साइड पे जमीन में चली जाती हैं और उस स्टेम को एक एक्स्ट्रा सपोर्ट देती हैं. तो ये किस में प्रेजेंट होती हैं? दीज आर प्रेजेंट इन शुगर केन, गन्ने में, एंड मेज. ठीक है जी, एंड द फोर्थ वन आर न्यू मेटाफोर्स. द फोर्थ वन आर द न्यू मेटाफोर्स. न्यू पीस आइलैंड है जी, न्यू मेटाफोर्स. न्यू मेटाफोर्स आर द ब्रांचेज ऑफ द रूट्स दैट ग्रो वर्टिकली अबव द ग्राउंड एंड बियर ओपनिंग्स कॉल्ड नेमेटोड्स. इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, ये जमीन में से रूट्स में से ऊपर की तरफ ऐसे सीधे सीधे स्टिक की तरह ग्रो कर जाती हैं. ठीक है जी, ऊपर की तरफ ग्रो कर जाती हैं. इनके बीच में यहाँ पे एक ओपनिंग होती है. ठीक है जी, जिसको बोलते हैं न्यूमेटोड्स. फॉर व्हाट, ये क्यों होती हैं? ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए बाहर आती हैं. ये किन प्लांट्स में होती हैं? ये मार्शी एरियाज में होती हैं जहाँ पे दलदल वाली जगह होती है, रूट्स अपना सांस नहीं ले सकती हैं. तो उनकी रूट्स जो होती हैं दे आर नोन एज अ न्यूमेटोफोर्स. ठीक है जी, तो ये न्यूमेटोड्स जो यहाँ पे पोर्स होती हैं यहाँ से वो गैसियस एक्सचेंज करती हैं. ठीक है जी, दीज आर द मॉडिफिकेशंस ऑफ द रूट्स. इन द नेक्स्ट सेशन स्टूडेंट्स वी विल डिस्कस अबाउट द मॉडिफिकेशंस ऑफ द स्टेम. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.